आपको यहाँ पे दावत दी है कि मैं उसकी डिटेल्स थोड़ी शेयर करूँ आपसे। 7 तारीख को आरिफा शफी मिस होती है। उनके ब्रदर 8 तारीख को एक मिसिंग रिपोर्ट दायर करते हैं साइबर चौकी में, जहाँ पे वो उसमें डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि ये जी कंप्यूटर कोई कोर्स कर रही है, वो वहाँ पे गई थी तो तब से मिसिंग है। जब हमने मिसिंग रिपोर्ट दायर किया, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में हमने टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया और काफ़ी विटनेसेस को, काफ़ी, खासकर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो घर वाले हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया, क्लूज़ प्रोवाइड की। जो जो हमें क्लू मिलता गया उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सस्पेक्ट्स को लाया। तो इसी कड़ी में एक सस्पेक्ट है जो शबीर अहमद वानी, जिनका नाम है, सन ऑफ अब्दुल अजीज़ वानी, जो ओमपोरा में रहते हैं, मोहनपोरा, उनको भी लाया गया। एज पर टेक्निकल एविडेंस और हमें क्लू मिला था दैट ही मे बी इन्वॉल्व, तो उसकी बुनियाद पे हमने शबीर अहमद वानी को लाया। उसे सस्टेंड इंटरोगेशन किया, सस्टेंड क्वेश्चनिंग की, तो पूरा एक दिन तक वी वर नॉट सक्सेसफुल। लेकिन फाइनली कल रात को शबीर अहमद वानी ने कन्फेस किया दैट ही हैज़ मर्डर्ड मिस आरिफा शफी। तो इसके बाद हमने इसने कन्फेशन किया, इसके डिस्क्लोजर पे हमने इसके घर पे गए और वहाँ से इसके अहाते से, क्योंकि डेड बॉडी के काफ़ी हिस्से किए गए थे, तो जो इनका सर है वो घर के अहाते में मिला हमें। इसके बाद जो जो मेन बॉडी थी हमें, जो फ्रॉम नेक टू हर टॉर्सो, वो हमें सेब्दन ब्रिज के अंडर मिली थी वहाँ पे। तो इसके जो लिम्स हैं, लिम्स और जो आर्म्स हैं, वो हमें एक टैंकी में मिली जो इनके घर के पास थी। तो इसके बाद जो फर्दर जो इनने इंकशाफ किया, उसकी बुनियाद पे वी कुड रिकवर द वेपन ऑफ ऑफेंस, जो एक नाइफ है, और जो 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 हमने जो क्राइम सीन है उसको हमने सिक्योर किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो आज हमने पोस्टमार्टम कराया, जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके हमने डेड बॉडी जो है नेक्स्ट ऑफ किन को हवाले किया है। ये थी जो अभी तक प्रिलिमिनरी जो तफ्तीश है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। सर, आर देयर चांसेस ऑफ एनी अदर कंफर्ट? अभी हम वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज एट वेरी अर्ली स्टेज, तो इसके अगर हम यहाँ पे रिवील करें तो दैट इज नॉट फीजिबल। सर, पोस्टमार्टम भी आपने किया, कब तक उसकी रिपोर्ट आएगी और कब तक यह तवक्का है इस केस में पूरी क्लियरिटी सामने आएगी? पोस्टमार्टम में जो FSL भेजते हैं हम, विसरा भेजते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जो फाइनल ओपिनियन जो डॉक्टर का होता है, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। सर, जब से मिसिंग रिपोर्ट इस इनके घर वालों ने थाने में दी है, उसके बाद इसमें वो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि काफ़ी टाइम लगा है इसमें, जबकि पहले से ही जो फ़ोन कॉल जहां पर फ़ोन बंद हुआ था उसके बाद टाइम लगा है। नहीं, जो ही मिसिंग रिपोर्ट पड़ी, क्योंकि मिसिंग ये हुई थी 7 तारीख को, हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट जो इसके नेक्स्ट, जो उसके ब्रदर है तनवीर अहमद खान, वो 8 तारीख को चौकी पे आ जाए। तो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है, वी कैन नॉट, जब एक बार कंप्लेंट आ जाए, वी हैव टू ऑल एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स, कि उसमें टेक्निकल, जैसे मैंने कहा, टेक्निकल फोन कॉल डिटेल्स हमने एग्जामिन करने पड़ते हैं, हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं कि कहाँ गई थी, क्या वेदर वेदर द एप्लीकेंट इज़ टेलिंग द ट्रूथ और नॉट, तो वेरीफाई करना पड़ता है। और जो हम सस्पेक्ट्स लाते हैं क्वेश्चनिंग के लिए, आपको पता ही, जो हार्डन होते हैं या जो गिल्टी गिल्टी लोग होते हैं, उनको कन्फेस करने में टाइम लगता है। वी कैन नॉट जंप टू कंक्लूजन, इसमें टाइम लगता है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज, जब कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें टाइम लगता है। सर, FIR कब इसकी लॉन्च हुई है, किस सेक्शन के? FIR कल लॉन्च हो गई 302 में। सर, हाल ही में एक वाकया वो सेम यहाँ पर पेश आया था गाँव में, उस हवाले से बताइए, जो चाडूरा का एक नौजवान यहाँ पर कत्ल किया गया, उस हवाले से क्या हुआ? चाडूरा के जो नौजवान थे, कैसर यूसुफ जरगर जिनका नाम था, जिनको कत्ल किया गया, जो इसमें मेन एक्यूज है वो आबिद हुसैन डार है, जो नसरुल्लापोरा में रहते हैं। इसमें जो अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स है, जो अगेन फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पूरी डिटेल्स आपको डाइवल्स नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर, लेकिन तो बोथ द गाइज वेयर इन्वॉल्व विद द सेम गर्ल, तो उसमें एनिमिटी इनकी हो गई, तो उसी कड़ी में ये इनका आर्ग्यूमेंट और स्कफल हो गया, तो कैसर यूसुफ जरगर गॉट किल्ड।
तो बाकी उसमें भी हम डिटेल्स। एसएसपी साहब जो है आज का मर्डर, उसका मोटिव क्या है? मोटिव अभी क्योंकि अर्ली स्टेज पे मोटिव मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। सर क्या ये ड्रग्स वगैरह के साथ ऐसा कोई? अभी वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही हमें पता चलेगी, बट अभी तक हमें ऐसा कोई क्लू मिला नहीं है। सर लोगों का कहना है क्योंकि सोयबुक एरिया में पास्ट 2 ईयर की अगर हम बात करेंगे, कुछ मर्डर केसेस हुए थे लेकिन क्लियरिटी नहीं है। लोग इस मरतबा तवक्का कर रहे क्लियरिटी हो, तो क्या जो पास्ट के केसेस है उनका क्या हुआ है और इस केस में कितनी जल्दी ये कार्रवाई होगी? एज फार एज दिस केस इज कंसर्न, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी इस केस की, एंड आई विल कम अप विद डिटेल्स एंड आई विल पुट ऑल द एविडेंस बिफोर कोर्ट। इसमें जल्द से जल्द हम चालान करेंगे अगेंस्ट एक केस। बहरेमी के साथ एक मर्डर किया गया था, ऑफ कोर्स, तो इसमें आर वी गोइंग टू गेट एन एग्जांपल कि पुलिस विल सेट एन एग्जांपल दिस टाइम इन बड़गाम? वी विल हमारा काम है एविडेंस इन्वेस्टिगेट करना और अब एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करना, एंड वी विल ट्राई टू हैव ए फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन। तो बाकी जो पनिशमेंट देना और ट्रायल, दैट इज अप टू कोर्ट। सर एक बात बता दीजिए, फैमिली ने ये बताया कि जब हमने फर्नल प्रेजेंटेंट किया, हमें जो बॉडी पार्ट्स थे वो सेपरेट कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं मिले अभी तक, क्या ये सच है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। थैंक यू।